ये व्यू चेक करें भाई, गार्डन बाय द वे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका होस्ट अली और आज हम अपने यूट्यूब चैनल में ऑफिशियली सिंगापुर को एक्सप्लोर करने वाले हैं। कल तो रात को लेट हमने इधर लैंड किया था, तो सीधा एयरपोर्ट से हम होटल में आ गए, कुछ ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर सके। तो आज चलते हैं सिंगापुर को अच्छी तरह एक्सप्लोर करने। तो लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी। अभी जो आप मेरे पीछे मस्जिद देख रहे हैं, ये सुल्तान मोस्क है। ये सिंगापुर की बहुत ही फेमस टूरिस्ट के लिए मोस्ट रिकमेंडेड मोस्क है। ये यहाँ की अरब कम्युनिटी, जो मुस्लिम कम्युनिटी है, उसको रिप्रेजेंट करती है। और ये मेन लेक का टूरिस्ट स्पॉट है, बुगेस में है। और ये तकरीबन ये मोस्क 200 साल पुरानी है। ये जो सिंगापुर के फर्स्ट सुल्तान थे, सुल्तान हसैन, उन्होंने ये मोस्क बनाई थी। तो ये एक टूरिस्ट के हिस्टोरिकल लिहाज से और टूरिस्ट के लिहाज से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मस्जिद है। तो अगर आप अपना सिंगापुर का टूर करें तो मस्ट आएँ इस मोस्क को विज़िट करने के लिए। टूरिस्ट देखें या आइकॉनिक स्टैचू को देखने के लिए कितने आए हुए हैं। अभी हम आ चुके हैं मर्लिन पार्क और ये आप मेरे पीछे जो स्टैचू देख रहे हैं, ये सिंगापुर का आइकॉनिक स्टैचू है। आपने कभी भी सिंगापुर की पिक्चर जब देखी होंगी तो ये एक स्टैचू आपने लाजमी देखा होगा, और जो तीन बिल्डिंग है वो लाजमी देखी होंगी। ये स्टैचू है कि इसकी खास बात है ये है कि इसकी बॉडी जो है वो फिश की है और उसका हेड है वो लाइन का है। लाइन दरअसल ये सिंगापुर का जो नाम है संस्कृत में सिटी ऑफ लाइन है, तो इसीलिए उसके जो हेड है वो रिप्रेजेंट करता है कि सिटी ऑफ लाइन है। और बॉडी, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मली लोग फ़िशिंग वगैरह करते थे स्टार्टिंग में, तो बॉडी उसकी फ़िश की है, तो ये फ़िशिंग यहाँ का लोगों का ज़रिया माश। अभी हम ये हेलिक्स ब्रिज पे जा रहे हैं। इसकी शेप देखें, ये ह्यूमन के डीएनए नहीं होता वैसा इसका स्ट्रक्चर है। ये वॉकिंग ब्रिज है, मरीना के एरिया में है। अभी मैं मर्लिन पार्क की तरफ से आ रहा हूँ और अभी मरीना बे सैंड में जाने के लिए ये वॉकिंग ब्रिज आपको क्रॉस करना पड़ेगा। अभी हम आ चुके हैं गार्डन बाय द बे में। ये एक बहुत ही बड़ा गार्डन है, ये तकरीबन 250 एकड़ के रकबे पर मुश्तमिल है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं एक ऐसे इन्होंने आर्टिफिशियल ट्रीज़ बनाए हुए हैं जिन्हें सुपर ट्रीज़ कहते हैं। ये तीन इधर हैं, बाकी उस तरफ हैं, और उन ट्रीज़ पे व्यूइंग डेक भी है। बहुत ही खूबसूरत और पुरसकून गार्डन है। अभी हम गार्डन बाय द बे में, ये ड्रैगन फ्लाई ब्रिज है, तो उस ब्रिज के ऊपर है ड्रैगन फ्लाई ब्रिज। और आप मेरे पीछे सुपर ट्रीज देख सकते हैं, उनका व्यूइंग डेक भी है, उधर भी हम जाएंगे। लेकिन ये ब्रिज बहुत ही हसीन है, इसके नीचे पानी है, फाउंटेन चल रहे हैं, बहुत सारे ट्रीज़ है, ग्रीनरी है, बहुत ही खूबसूरत और पुरसकून जगह है। तो अगर आप सिंगापुर में आएँ तो ये आपकी मस्ट विजिट प्लेस है, गार्डन बाय द बे।
अभी हम आ गए हैं सुपर ट्रीज के नीचे। ये देखें मेरे ऊपर सुपर ट्रीज इतने बड़े हैं कि कैमरा के एंगल में आ ही नहीं रहे, बहुत ही खूबसूरत है। और यहाँ रात को लाइटिंग शो भी होता है। अभी हम इसके ऊपर टॉप अप के वो मेरे ऊपर देख रहे हैं, इसके टॉप डेक है जहाँ से आप जाके पूरा एक व्यू कर सकते हैं। तो अभी हम टॉप पे जाएंगे और यहाँ से व्यू करने की कोशिश करेंगे। ये व्यू चेक करें भाई, गार्डन गार्डन बाय द वे में जहाँ ये सुपर ग्रूव ट्रीज़ हैं उसका ये ऑब्जर्वेशन डेक है। तो देखें ये पूरा एक सुपर ट्रीज़ के साथ ये डेक जाता है और यहाँ से ऊपर से आप देखें व्यू चेक करें, कैसा व्यू आप ले सकते हैं पूरे गार्डन बाय द वे का। ये मेरे पीछे गार्डन बाय द वे सैंड बिल्डिंग और ये देखें टॉप से एक पूरे गार्डन का व्यू भी बहुत अच्छा आ रहा है। ये गार्डन बाय द बे में किंग फिशर लेक एरिया है, इसमें लेक बनाई हुई है। तो बहुत सी मछलियाँ, कलरफुल मछलियाँ हैं। और अगर आप इधर आएँ गार्डन में तो मस्ट यहाँ भी आके एक्सप्लोर करें। एक पुरसकून सा एरिया है, इतना ज़्यादा क्राउडेड एरिया नहीं रहता क्योंकि ग्रुप ट्रीज़ वगैरह यहाँ से थोड़ा सा हट के हैं तो ज़्यादा लोग नहीं आते। अभी आप मेरे जो पीछे बिल्डिंग देखते हैं, आइकॉनिक बिल्डिंग सिंगापुर की मरीना बे सैंड, इसके आप टॉप पे देखें एक व्यूइंग डेक है। तो अभी हम चलेंगे इसके व्यूइंग डेक से, पूरे सिटी का एक नज़ारा लेंगे, अच्छा सा व्यू करेंगे। इसके कुछ चार्जेज हैं, पेड है, तो देखते हैं कितने की हमें इसकी टिकट मिलती है और कैसा नज़ारा आता है। वैसे तो ये बिल्डिंग बहुत ही लग्जरी है, ओनली रिचेस्ट एशियन कैन अफोर्ड, क्योंकि इसमें होटल हैं और ऊपर टॉप पे स्विमिंग पूल है। तो वो तो हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, पर एटलीस्ट आपको व्यू तो करवा ही सकते हैं क्योंकि सिंगापुर आए और इसका एक सिटी का अच्छा सा व्यू नहीं लिया तो फिर तो पूरी ट्रिप ही हमारी वेस्ट जाएगी ना। तो चलिए चलते हैं उसका व्यू करने टॉप से। ये सैंड बाय द बे ऑब्जर्वेशन डेक के लिए पूरी क्यू है। वाओ, व्यू तो ज़रा आप चेक करें, हसीन। बहुत गर्मी है, वन कॉकटेल सारी गर्मी भगा देगी।
ये आप ऊपर से देखें गार्डन बाय द बे, और ये नीचे आप देख रहे हैं ये सुपर ट्रीज हैं, तो कितने हसीन लग रहे हैं टॉप से। अभी सूरज ग्रूप हो रहा है और व्यू देखें पीछे से। अभी थोड़ी देर में लाइट्स भी ऑन हो जाएंगे, वो भी व्यू कैप्चर करेंगे। लेकिन देखिए कि सिंगापुर सिटी कैसा लग रहा है सूरज ग्रूप होने के साथ साथ, और लोग देखें कैसे रश है। हम इसीलिए इवनिंग में आए थे, तब थोड़ी धूप थी तो धूप में भी व्यू ले लिए, अभी नाइट का भी व्यू ले रहे हैं, तो एक ही टिकट में दो दो व्यूज़। ये देखें गार्डन बाय द बे में लाइटनिंग शो स्टार्ट हो गया है, ये डेली टू टाइम होता है 7:45 एंड 8:45 PM। तो इसी हसीन व्यू के साथ हमारा आज का दिन यही ख़त्म होता है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। ऐसी मज़ीद मज़े मज़े की वीडियो के साथ हम फिर हाज़िर होंगे, तब तक अल्लाह हाफिज़।